अगर इतना गढ़ होता तो लोकसभा इलेक्शन क्यों होता जी यार। कुछ नाम तो उसमें ऐसे फर्जी हैं, हम आज ताकि मैं वहां गया ही नहीं, मेरा नाम वैसे दे दिया गया है। उसने हमारे को वीडियो भी दी है कि मैं जेजेपी का था, जेजेपी का हूँ और जेजेपी का रहूंगा। एक और दुष्यंत को मिशन 24 में हम मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपके साथ रविंद्र वर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं देश अब तक न्यूज। हमारे साथ जो है जननायक जनता पार्टी के नेता हमारे साथ हैं और हल्का गोहाणा के प्रधान संदीप जी हैं और पंचायती प्रकोष्ठ के जिला के अध्यक्ष पवन शर्मा हमारे साथ हैं। इनसे बात करते हैं किस तरह 2024 से, और मानसा भी हमारे साथ में है, 2024 का जो चुनाव होने वाला है आगे उसके लिए क्या किस तरह की तैयारियां यहाँ पर चली हुई है। पवन जी, किस तरह की तैयारियां जो है 2024 के लोकसभा, पहले लोकसभा आएगा फिर विधानसभा आएगा, किस तरह की तैयारियां जो है? पूरी तैयारी कर रहे हैं, हमारे सभी वर्कर, हमारे नेता भी आते रहते हैं और पूरी की पूरी तैयारी। आज भी हमारे जिला प्रधान मंडी में आए थे राज सिंह दैया जी, उन्होंने भी किसानों से समस्याएं बूझी हैं और सभी ने अच्छा वो कराया कि भाई जो भी जीरी का है वो अच्छे उससे चल रहा है सारा, उन्होंने भी बूझा है। विधानसभा की बात करें तो किस तरह की तैयारियां जो है, तो आपका जो गांव है वो बरोदा हल्के में आता है और कहीं ना कहीं जेजेपी दो सीटों पर क्लेम कर रही है, बरोदा और खरखोदा, क्या किस तरह की जो है रूपरेखा आगे बनाई है? दोनों सीटों पर हमारे सीनियर नेता आते रहते हैं, उप मुख्यमंत्री जी पिछले दिनों भी आ रहे थे और अब आगे भी दोनों सीटों को हम क्लियर जीत कर पार्टी की जोड़ी में डालेंगे। तो उम्मीदवार की बात करें तो जो है कई बार बाहर से भी जो है उम्मीदवार आ जाता है, क्या लोकल उम्मीदवार पर ज्यादा सहमति रहेंगे आप? बिल्कुल, लोकल उम्मीदवार होगा और फैसला तो पार्टी का हाईकमान का, उम्मीदवार हमारा लोकल ही होगा। तो हमारे साथ तो हल्का प्रधान संदीप जी हैं, संदीप जी युवा भी हैं, किस तरह की तैयारियां जो है 2024 के चुनाव की? नमस्कार, हमारी देखो हमारे जो शीर्ष नेतागण हैं दुष्यंत चौटाला जी हैं, वो हर हल्के में जा जाकर दर्दनोक चाय पानी का प्रोग्राम कर रहे हैं। तो जब युवा मुख्यमंत्री होता है उसमें जोश होता है और उनके साथ युवा बढ़ चढ़कर आगे हिस्सा लेते हैं और वो जो दर्जनों चाय पानी का प्रोग्राम करे वहां पे जो भीड़ है, हमारे कार्यकर्ता हैं, आम वोटर हैं, वो सारे बढ़ चढ़कर उनके प्रोग्राम में हिस्सा लेते हैं क्योंकि उनको आगे फ्यूचर दिख रहा है कि जो युवा है वो युवा का भला कर सकता है, इसलिए हमारा जो है अच्छा कैंपेन चला हुआ है। तो गोहाणा क्षेत्र या सोनीपत की बात करें तो भूपेंद्र हुड्डा जो है अपना गढ़ जो है मानते हैं और मजबूती कहते हैं कि हमारा जो है गढ़ है, हम यहाँ को बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। जी आपकी बात सही है, लेकिन आप एक बात बताइए, अगर इतना गढ़ होता तो लोकसभा इलेक्शन क्यों होता जी हारते? गढ़ नहीं होता, ये समय समय की राजनीति बदलती रहती है, वो लोकसभा का चुनाव हार गए हैं। आज के समय में जो है ना युवा और आम जो जन है वो युवा उप मुख्यमंत्री जो हमारा है उसको मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं कि जैसे ही वो मुख्यमंत्री बनेंगे आम जन के सबके काम होंगे। देखो पंचायती जो इलेक्शन हुए हैं उसमें 50% जो आरक्षण है महिलाओं को दिया गया है, जो भागीदारी आज महिलाओं की 50% है जिसकी वजह से महिलाएं भी हमारी पार्टी में बढ़ चढ़कर जुड़ रही हैं। अभी हमने बड़ौदा में ही हरी चुनरी चौपाल का आयोजन किया था, श्रीमती नैना चौटाला जी उसकी मुख्य अतिथि थी, तो वहां पे भी बहुत बढ़ चढ़ करके महिलाओं ने हिस्सा लिया। आपने देखा होगा वो एक रैली, बहुत बड़ी रैली हमने करके दिखाई है। तो जो काम महिलाओं के लिए किए हैं उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी ने उसके लिए ये महिलाएं इसमें पार्टी में बढ़ चढ़कर जुड़ने का भाग ले रही है। तो युवा की बात करी आपने, युवा की जो अभी जो है नई टीम भी बनाई गई है, तो उसमें उसने जो है कितने युवाओं को जो है सोनीपत में उनको मिला है? सोनीपत में भी पद मिले हैं युवा को और हमारा टोटल जो है 90 हलका अध्यक्ष में से 65 नए हलका अध्यक्ष जो नियुक्त किए हैं उनमें से मोस्टली युवा हैं, क्योंकि युवा जोड़ने में क्या है उनमें जोश होता है, फील्ड में घूमते हैं, कार्यकर्ता सुख दुख में आए जाएंगे, काम करते हैं, तो उससे पार्टी आग्रह बढ़ता है और लंबे समय के तक राजनीति करते हैं। इसलिए हमारे जो मुख्यमंत्री हैं वो युवा को जोड़ने का काम कर रहे हैं, बुजुर्गों को साथ में लेके युवा को अपने साथ जोड़ रहे हैं कि आगे हमारी जो राजनीति है वो लंबी चले। कल जो है दीपेंद्र हुड्डा ने जो है काफी सोनीपत के NLO के भी, JJP के भी काफी लोगों को जो है ज्वाइनिंग कराई गई है और JJP के भी काफी कार्यकर्ता जो है वो छोड़कर जो है कांग्रेस का दामन थामा, किस पर क्या कहना? देखिए उनमें से कोई विशेष हमारी पार्टी से टूटकर नहीं गया है, कुछ नाम तो उसमें ऐसे फर्जी हैं। हम आज भी दो तीन गांव में मिलके आए हैं, एक तो फरमाणा का एक सरपंच था उससे हम सुबह मिलके आए हैं, वो कहता है कि मैं वहां गया ही नहीं, मेरा नाम वैसे दे दिया गया है। उसने हमारे को वीडियो भी दी है कि मैं JJP का था, JJP का हूँ और JJP का रहूंगा। एक कड़पा से ब्लॉक समिति मेंबर है उनसे भी अभी बात हुई है, वो भी यही कह रहे हैं कि झूठ बोल के हमें ले गए, एक बार दिल्ली जाना है तो वो वहां से वापिस चले गए, वहां शामिल भी नहीं हुए।
तो ऐसे ही कुछ नाम तो ऐसे हैं जिनको बेवजह कुछ पहले कांग्रेसी थे, जिनका उस लिस्ट में नाम है। आप देखोगे जुआ महारा से महारा में तीन नाम है, वो सब पुराने कांग्रेसी थे। तो ये सब जो लिस्ट है इसमें से कुछ हमारा जो जेजेपी या बंदा कोई नहीं गया, पुराने कांग्रेसी थे उनके नाम दिए गए हैं, ये कोई सच्ची बात नहीं है। तो देखते हैं जो है, जो कल कांग्रेस ने ज्वाइनिंग कराई थी उस पर भी इन्होंने कहा है कि जो फर्जी लिस्ट है इनमें से जेजेपी के कुछ भी कोई भी कार्यकर्ता जो है कांग्रेस में ज्वाइन नहीं किया है। तो आपसे अपील रहेगी कि इन तस्वीरों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हर व्यक्ति तक ये तस्वीरें पहुंचे। और बता दें कि पवन जी अभी जो है त्यौहार भी आने वाले हैं, तो क्या कहना चाहोगे लोगों? त्यौहार पर सभी को हम शुभकामनाएं देना चाहेंगे, दिवाली की भी और भैया दूज की भी। हम सबको शुभकामनाएं देना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, और दुष्यंत को मिशन 24 में हम मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, उसकी पूरी उसमें लग रहे हैं, हम लगन से उसको बनाएंगे। क्योंकि जो युवाओं के लिए इंडस्ट्रीज में, महिलाओं के लिए पंचायत में जो भागीदारी करी है, उससे ज्यादा और किसी युवा उप मुख्यमंत्री ने आज तक नहीं करी है, और उसको बिल्कुल 24 में मिशन दुष्यंत में लिया गया है। क्या कहना चाहोगे जिस तरह से जो है 2024 की जो तैयारियां है वो सभी पार्टियां कर रही है? जननायक जनता पार्टी द्वारा मिशन दुष्यंत 2024 की तैयारियां जोर शोरों पे शुरू की गई हैं। दुष्यंत चौटाला जी के कामों के आधार पर हरियाणा का युवा हो, बुजुर्ग हो, माता, सबका आशीर्वाद माननीय उप मुख्यमंत्री जी के साथ है, और 2024 में इनके कामों के आधार पर, दुष्यंत जी के कामों के आधार पर ही जनता उन्हें मुख्यमंत्री देखना चाहती है। ये पार्टी पार्टी का नहीं, पूरी हरियाणा जनता का आशीर्वाद माननीय उप मुख्यमंत्री जी के साथ है। तो देखते हैं जाए, यहाँ पर जेजेपी के द्वारा दावा किया जा रहा है 2024 में दुष्यंत चौटाला का जो है प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। आपसे अपील रहेगी कि इन तस्वीरों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।